और वेदर बहुत अच्छा हो गया चौरस्ता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ और नहा वहाँ के फ्रेश हो गया हूँ मैं पूरा, और अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं अभी जस्ट रेडी वेडी होके अब निकलने का टाइम आ गया मेरा। तो अभी बाहर तो वैसे बारिश हो रही है, अभी जाके यहाँ पे बारिश कम हुई है और वेदर बहुत अच्छा हो गया। पीछे देख सकते हो बारिश बहुत कम हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ चौरस्ता, जो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, और फिर चौरस्ता जाके वहाँ पर मिलता हूँ। और यहाँ पे पूरे बादल ही बादल है, मतलब अभी ज़्यादा भी जस्ट बारिश हुई थी तो पूरे बादल ही बादल नीचे आ रखे हैं। और मेरे पीछे वो एक कवि जो थे उनका वो स्टैचू बना हुआ है, आपको मैं पास से दिखाता हूँ। ये भानु कवि का है और ये पूरा चौरस्ता मार्केट है। यहाँ से बादल हट गया है और पूरा ये चौरस्ता अब फ्रेश दिख रहा है, और आई थिंक सूरज भी निकलने वाला है पीछे। अभी चौरस्ता से जाने का टाइम आ गया है और जाते वक्त रास्ता में बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है मेरे को, वो पीछे मेरे पूरे दार्जिलिंग दिख रहा होगा। चुके हैं मॉल रोड, और कुछ ऐसा दिखता है ये पूरा मॉल रोड, मतलब बहुत ही अच्छी व्यू है यहाँ से। और ट्रस्ट मी, अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो मॉल रोड विज़िट करिएगा और यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठिएगा। अभी मैं आ चुका हूँ जू, और अभी ये पीछे मेरे पीछे जू है, तो अभी जा रहे हैं टिकट लेके, फिर आपसे मिलते हैं और टिकट का कितना फेयर होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं अंदर आ गया हूँ और अंदर आपको विदाउट मार्क्स एंट्री नहीं है, तो आपको मास्क लगा के ही अंदर आना पड़ेगा। और मैंने अभी टिकट लिया, टिकट का फेयर वही 60 रुपये पर है, जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये एशियन हिमालयन ब्लैक बियर है और एक वहाँ सोया हुआ है। यहाँ पे लेपर्ड बैठी हुई है। अगर आप जू आ रहे हो तो जू के पीछे ये बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बना हुआ है, और यहाँ पे आके अंदर जरूर विजिट करना। लेकिन अंदर एक ये है जो अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते। You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी
आया है यहाँ पे, और मेरे पीछे फिर से पूरे बादल भर चुके हैं। आपको दिखाता हूँ, वो पीछे देखो पूरे बादल भरे हुए हैं, और ये पूरे बादल नीचे आ गए हैं। अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नहीं थे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से वापस से पूरे बादल आ गए। अभी जू से बाहर आ चुके हैं, और ये मेरे पीछे जू है, और बहुत ही अच्छा वाइब, मतलब अच्छा था अंदर में व्यूज़। ब्लैक पैंथर थे, पैंथर था, मतलब सारा अंदर में देखने को लिए मिला। मैंने फर्स्ट टाइम देखा सारा, बहुत अच्छा लगा। अभी बज रहे हैं 1, और मैं होटल से चेकआउट कर लिया हूँ, और अभी मैं कैब बुक किया हूँ जो मुझे रंगीत वैली, टी गार्डन, और 2-3 जो मस्ट विजिटेड प्लेस है दार्जिलिंग का, वो मुझे वहाँ ले जाएंगे। और वो मेरे पीछे, वो पीछे होटल है मेरा। तो अभी फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपको। अभी मैं जापानीज टेम्पल के लिए कैब ले चुका हूँ, उसके बाद ये अंकल हमारे साथ ही रहेंगे पूरी ट्रिप। तो अभी आगे मिलते हैं जापानीज टेम्पल पहुँच के।